हेलो प्रिवन, फिर से मैं आ गई हूँ एक बढ़िया लंच के साथ, जो आपको ना ये देखकर और खाकर सच में मजा आ जाएगा गाइस। तो आज मैं बिना लहसुन प्याज के आलू की सब्जी साथ में बनाऊंगी सत्तू का पराठा, जिसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होने वाला है। और आज है गाइस संडे, स्पेशल संडे है हमारे लिए। तो बस मैं दोपहर में आज मैं लंच में यही बनाऊंगी, और बहुत दिनों बाद मैं इसको बना रही हूँ। ऐसे महीने में मैं एक बार जरूर बनाती हूँ। तो सुबह सबका नाश्ता पानी ये सब होने के बाद फिर मैंने दोपहर में सोचा कि आज क्या बनाए, तो फिर मेरे दिमाग में आया बहुत दिन हो गया, फटाफट से आज मैं सत्तू का पराठा बनाऊंगी, और इसके साथ बिना लहसुन और प्याज के आलू टमाटर की सब्जी, जो इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट रहेगा। तो चलिए पहले सब्जी बना लेती हूँ। यहाँ पे हमने कुकर में बनाना है, तो 1 चम्मच तेल डालेंगे, बड़ा वाला चम्मच। तेल जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे हमने जीरा डाल दिया है, साथ में हमने डाला है अदरक कद्दूकस करके, और 3 से 4 इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। और बस जीरे को भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे आलू, और ये जो सब्जी है फटाफट से बन जाती है और इतनी स्वादिष्ट लगती है पूरी से पराठे से। फटाफट से ये सब्जी बिना लहसुन प्याज के बहुत ही बढ़िया लगती है। तो जब तक यहाँ पे हम आलू को फ्राई कर लेंगे, तब तक यहाँ पे 2 टमाटर ले लिया है। टमाटर से ही ग्रेवी तैयार करेंगे ना, तो इसलिए टमाटर को पीस लेंगे। टमाटर को पीसने से इसकी जो ग्रेवी होती है ना बहुत थिक बनती है और बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे हमने टमाटर को इस तरह से पीस लेना है। आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हो, बट पीसने से बहुत अच्छे से गल जाता है, एक भी टमाटर दिखता नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ मसाले डाले हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो ज्यादा मसाले तो इसमें डलते नहीं है, बस आलू को मसाले के साथ भून लेंगे। उसके बाद तो बस यहाँ पे आलू जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए मसाले के साथ, तो यहाँ पे हमने टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी वो डाल देना है, साथ में डाल देना है नमक। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा हल्दी, क्या बोलते हैं, गरम मसाला। जी हाँ गाइस, कोई भी गरम मसाला हो थोड़ा सा डाल दीजिए, अगर ज्यादा डालेंगे ना तो फिर ये सब्जी वाला स्वाद आएगा। तो देखिए हमने 1 चुटकी गरम मसाला डाला है, और उसके बाद टमाटर के साथ आलू को भून लेंगे, और बस हमारी ये चटपटा बढ़िया लहसुन बिना प्याज के सब्जी बनके तैयार रह जाएगी 1 सीटी में। तो आलू ना सब्जियों का राजा होता है, हर सब्जी ऐसी होती है कि बिना आलू डाले जो है काम नहीं बनता, बट कुछ सब्जियां ऐसी होती है कि बिना आलू से ही काम चल जाता है। लेकिन कभी कभी ना आलू टमाटर कोहड़ोरी की जो सब्जी बनती है सच में बहुत स्वादिष्ट होती है। तो देखिए हमने यहाँ पे आमचूर नहीं था, थोड़ा सा नींबू डाल दिया है खट्टे के लिए, और 1 चम्मच यहाँ पे भुना जीरा और धनिया का पाउडर डाल देंगे, जो फलाहारी जो जीरा और धनिया भून के रखते हैं ना, जो चाट मसाला बना के वो डाल देने हैं, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और बस उसके बाद हमने ढक दिया है, और 1 सीटी आने तक जब तक हम इंतजार करेंगे या फिर कोई और तैयारी कर लेते हैं हम। तो आज संडे के दिन ना सब लोग घर पे थे, तो बस मेरे दिमाग में आया कि चलो आज ये रेसिपी बनाती हूँ। वैसे बहुत दिन हो गया था बनाए और बहुत अच्छा लगता है, महीने में एक बार जरूर मैं बनाती हूँ ये लंच या डिनर जो भी आप कह लीजिए। तो यहाँ पे हमने गेहूं के आटे लिया है, 1 चम्मच हमने यहाँ पे बेसन डाल दिया है, बेसन से ना थोड़ा सा स्वाद अलग हो जाता है। फिर हमने थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़े से धनिया, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से हमने यहाँ पे अजवाइन क्रश करके डाल दिया है, और उसके बाद स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक डाल दिया है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे मलाई डाल देंगे। गाइस ये मलाई जो है ना ऑप्शनल है, बट आप मलाई डाल दीजिए या फिर इसकी जगह पे 1 चम्मच कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए, इससे पराठे ना आपके बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और टेस्ट में थोड़ा सा अंतर तो आ ही जाता है। तो इसलिए मैं डाल देती हूँ मलाई या फिर तेल, कुछ भी हो। और बस उसके बाद इसका डो तैयार कर लेना है। हाँ मैंने नमक भी डाला था गाइस, पता नहीं आप लोग को बताया कि नहीं, नमक थोड़ा सा डाल दिया था। और गर्मी तो इतनी भयंकर वाली है कि जब मैं गैस ऑफ करती हूँ ना तब मैं फैन चला लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में बहुत ही ज्यादा किचन में बहुत परेशानी हो जाती है।
तो किसके किसके यहाँ गर्मी पड़ रही है गाइस। वैसे तो नॉर्मली सबके यहाँ गर्मी पड़ी रही होगी। तो बस फाइनली हमने यहाँ पे आटा गूंथ लिया है। अब इसको हम ढक देंगे कम से कम 5-10 मिनट के लिए। आप चाहे तो तुरंत बना सकते हो, बट अभी ना बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। तो जब तक किचन थोड़ा सा जो फैला हुआ है ना, इसको मैं समेट लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ जो नाश्ता किए थे सब लोग, उसके बर्तन थे, तो मैंने सोचा इसको धुल के हटा लूँ, नहीं तो फिर और एक्स्ट्रा बर्तन हो जाएंगे जब खाना खाएंगे हम लोग। तो चलिए बर्तन धुल लिए, किचन साफ कर लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है सत्तू बनाएंगे, घर का सत्तू। गाइस ये जो चना है ना, आप लोग मंगा के रख लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। इससे जो सत्तू आप घर पे बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी आपका सत्तू पराठा बन के तैयार होगा। तो हमने 3-4 हरी मिर्च डाल दिया है, 1.5 कप हमने चना ले लिया है, अदरक हमने थोड़ा सा लिया था, मतलब छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और साथ में यहाँ पे डालेंगे नींबू का रस। गाइस आमचूर की जगह पे यहाँ पे आपके पास अगर आधा नींबू है ना, तो इस तरह से पानी में इसको निचोड़ के और चने में डाल दीजिए। इससे थोड़ा सा चना गीला हो जाएगा और भरने में बहुत आसान रहेगा। तो हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है, साथ में एक बड़ी लहसुन छील के हमने कट करके डाल दिया है, बस और कुछ नहीं। सबको इसके साथ में ना इस तरह से पीस लेना है। और ये इतनी अच्छी लग रही थी कि आप इसको ऐसे ही खा जाएंगे, आपको पराठा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमने यहाँ पे सबको साथ में पीस लिया है इस तरह से, और इसको ज्यादा महीन नहीं करना, बस हल्का सा दरदरा पीसना है ताकि ये बहुत अच्छा लगे खाने में। तो यहाँ पे मैं प्याज मिलाऊंगी ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सत्तू निकाल लिया है। जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं ले लूंगी, क्योंकि प्याज अगर मिला दूंगी और फिर बच जाएगा तो फिर वो बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है भरा मिर्चा डाल दिया है, इसमें आमचूर होता है, साथ में हमने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है, और हरी धनिया हमने डाल दिया है बस। और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1 प्याज। तो प्याज को ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहे ना तो प्याज को स्किप कर सकते हो, बट बहुत अच्छा लगता है सत्तू में प्याज डाल के। तो इसलिए हमने थोड़ा सा सत्तू निकाल लिया है, क्योंकि जब ये सत्तू बच जाएगा ना स्टफिंग, तो फिर ये 3-4 दिन तक आप नहीं रख सकते हो, इसलिए मैंने उसको अलग निकाल दिया। और देखिए इस तरह से मुट्ठी बन रही है। तो आप चाहे ना तो इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल दीजिए। अगर आप तुरंत सत्तू का पराठा बना रहे हो तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए, ताकि बहुत आसानी से आपके पराठे में भर जाए। तो बस यहाँ पे हमारा सत्तू बन के तैयार हो गया है। अब चेक कर लेते हैं सब्जी। तो देखिए सब्जी भी बन चुकी है। आलू की सब्जी में ज्यादा ना टाइम नहीं लगता है, बस 1 सीटी में बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास बन जाती है। हमने हरी धनिया डाल दिया है, और ये देखिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी ना आलू की सब्जी बहुत ही मस्त लग रही है देखने में। तो अब चलते हैं पराठा बना लेते हैं। तो जितना मैंने काम किया ना, 10 मिनट तो हो ही गया होगा आटा को रेस्ट किए हुए। बस अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं 1:30। अभी मुझे बाहर भी जाना है, ग्रोसरी के सामान लाने हैं, तो मैंने सोचा कि बस फटाफट से सबको खिला के किचन साफ करके फिर जाऊंगी, क्योंकि आने में टाइम लगेगा। तो बस यहाँ पे हमने लोइयां तोड़ ली है। तो देखिए हमने इस तरह से, जैसे आप कचौड़ी का स्टफिंग भरते हैं ना, बहुत आसान होता है। देखिए मैंने इस तरह से बनाया है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, स्टफिंग अच्छे से भर नहीं पाते, उनका टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन आप अगर अच्छे से जो है इस तरह से आटे को पहले कटोरी से में दीजिए, फिर जो स्टफिंग है आप इस तरह से पहले भर दीजिए, फिर उसके बाद इस तरह से आप रोल रोल हाथों से करते हुए बस इसको अच्छे से दबा दीजिए। तो ये देखिए ऐसे आलू का भी भरे, मटर का पराठा भरे, मतलब जो भी आप स्टफिंग वाला पराठा बना रहे हो ना, बस इसी तरह से आप भर सकते हो। तो चलिए अब इसको बेल लेते हैं। तो जितने हमने सत्तू के पराठे बनाए थे ना, बिल्कुल भी टूटा नहीं था। क्यों नहीं टूटा था, क्योंकि सत्तू को थोड़ा सा हमने पानी से, मतलब हल्का सा इसको मॉइस्चर कर लिया था, ताकि ये भर भरा होता है ना, इसीलिए। तो देखिए हमने भर के, और भी देखिए इस तरह से बनाए हैं मैंने, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। तो चलिए अब इसको सेक लेते हैं। और इतनी फूली फूली सत्तू का पराठा बनता है। इसी तरह से मैं दाल बाटी चूरमा भी बनाती हूँ, इसी तरह से मैं सत्तू का पराठा भी बनाती हूँ। और सत्तू का पराठा भी बहुत अच्छा लगता है, और दाल बाटी चूरमा अगर आप लोग कमेंट करेंगे ना, तो मैं उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी।
मैं बहुत ही अलग तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए हमारे फूले फूले सत्तू के पराठा, आप चाहे ना इसको सफर में भी ले जा सकते हो, अचार के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ना सब्जी की जरूरत तो बिल्कुल ही नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही इतनी स्वादिष्ट लगते हैं। तो सारे पराठे हमने बना लिए हैं सत्तू के, आप लोग क्या बोलते हो इसको प्लीज कमेंट में बताना। मैं तो इसको सत्तू का पराठा बोलती हूँ, और साथ में आलू टमाटर की सूखी मतलब ग्रेवी वाली सब्जी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज, आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर सबके साथ जरूर करना, और एक लाइक तो बनता है गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक।